बड़ी बात करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्णिमा जी के लिए ये एक बहुत बड़े भागी। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी का पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी का जब भी नाम लिया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी भारतीय जनता पार्टी, उसका एक स्टैचू यहाँ अटल चौक पर लगा गया है। मैं पूर्णिमा जी को उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। वो यहाँ की वार्ड मेंबर हैं और उन्होंने इस प्रकार का काम किया, और जैसे उन्होंने बताया कि कविंदर गुप्ता जी ने इस स्टैचू को देने में मदद की है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जो जनसंघ के समय से हमें लीड करते रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को एक सुशासन का नाम दिया गया, और उनके काल से जो कांग्रेस ने दूसरे दलों ने लूट मचा के रखी थी उस काल को ख़त्म किया गया। आज जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं ये उन्हीं की ही देन है। इस प्रकार की एक जो सोच है उन्होंने आगे बढ़ाया, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, लगातार 60 साल संसद में रहना, ये अपने आप में एक अद्वितीय समय था। आज जो धारा 370 टूटी है ये उन्हीं की जो एक कोशिश है, उसी का परिणाम है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको साथ में लेकर के आए थे। क्या देखते हैं अनुच्छेद 370 को, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो इनका विजन था प्रधानमंत्री जी का, और इस विजन से जो अभी चल रहा है, कोर्ट की हियरिंग चल रही है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अलगाववाद, पत्थरबाजी, इन चीज़ों का दिया है। तो आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्हों की हमने 370 हटाई, और वो जो अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी चला रहे थे, वो आज बंद है। आज के इस पावन दिन पर हमारे राष्ट्र, हमारे जो स्तंभ रहे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नेता, जिनका आज स्टैचू का अनावरण यहाँ वार्ड नंबर 1 में किया गया है, मैं अपने संगठन का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मेरे में विश्वास जताते हुए मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस कार्य को संपन्न करवा पाई, और आज का दिन हमें प्रदान हुआ ताकि वार्ड नंबर 1 एक सही मायनों में वार्ड नंबर 1 की एक महत्वता बनी, जहाँ पे हमारे राष्ट्र लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की रोटरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।